परिवहन निगम के बस बेड़े में नवीन बीएस 6 मॉडल की बसों के आज इस फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप लोगों ने जिनको सुना, हमारे धर्मपुर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, रानीखेत के लोकप्रिय विधायक प्रमोद नैनवाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे मंडल अध्यक्ष श्री सिंगल जी, संजीव सिंगल जी, यहां मंचासीन सचिव और आयुक्त श्री विनय शंकर पांडे जी, नरेंद्र जोशी जी, अपर सचिव श्री बंसीधर तिवारी जी, हमारे गरव्याल जी समेत सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी आए हुए अतिथिगण और बड़ी संख्या में आज, क्योंकि मन के बात का कार्यक्रम था, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और बड़ी संख्या में पधारे सभी हमारे सभी गणमान्य भाइयों और बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर, आज चूंकि रविवार का भी दिन है और छुट्टी का भी दिन है, जैसा चमोली जी ने बताया और हमारे उद्घोषक जी भी बता रहे थे कि 9:30 बजे से आप सब लोग यहां पर आ गए हैं और बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी है कि आज हम उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसों को शामिल कर राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रहे हैं। लोगों से जुड़ने की एक कड़ी और जुड़ गई है। भाइयों बहनों, ये BS6 मॉडल की जो अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को, लोगों के आवागमन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये बसें न केवल हमारे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन की जो गतिविधियां हैं उसको भी एक नया आधार और ऊर्जा प्रदान करेंगी और पूरे देश से आने वाले लोगों के लिए भी हमारे राज्य में उनका आवागमन भी आसान करेगी, उनको सुविधा भी प्रदान करेगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे राज्य की जो भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं वो अन्य राज्यों के मुकाबले अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे राज्य में जहां एक ओर ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं तो वहीं दूसरी ओर दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारे परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर हैं। जिस प्रकार से परिवहन निगम उनको जोड़ने का काम करेगा, उनको आवागमन के लिए सुविधा प्रदान करेगा। नमो नमो कृत्सेभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। शुंखश्चैकदन्तश्च कपिलोगतिकर्णकः लम्बोदरश्च विक्षितो विनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो विदानन द्वादशायितान्नामानीय पुणेच्छुणयादः। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।